अल्मोड़ा का लाल, फिर नैनीताल का लाल, फिर हरिद्वार का लाल, इस हरीश रावत के अंदर कितने लाल छिपे हैं। बीजेपी का आप पे बड़ा तीखा हमला है। बोलते हैं हरीश रावत ने हरिद्वार को अपने परिवार की राजनीतिक आकांक्षाओं की प्रयोगशाला बना डाला। आप हरिद्वार ग्रामीण से देखेंगे, आपकी बेटी वहाँ से विधायक हैं, फिर बेटे को आपने हरिद्वार से दिला दिया। 2014 में आपकी वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ी थी, 2009 में आप यहाँ से चुनाव लड़े। एक बार मैं सुन रहा था, आपने बयान दिया था उनको, प्रधानमंत्री बनाए बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं स्वर्ग भी नहीं जाऊँगा। और तो स्वर्ग पक्का जाएंगे, आपने तय किया है। हमें और चीजों पर भरोसा हो ना हो, अपने कर्मों पर भरोसा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन हम स्वर्ग भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जाएगा। बोले हमें जितना परेशान किया है, हमें जितना घुमाया है, हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन आपकी प्राथमिकता, स्वर्ग जाएंगे तो अपने साथी सहयोगियों के लिए भी, अपने लिए अच्छा सोचने वालों के लिए भी जगह बनाएंगे वहाँ। आप चिंता न करिए, वहाँ उनके लिए भी लॉबिंग करेंगे। वहाँ उत्तराखंड का झंडा लेकर के भी जाएंगे। आप ये भी मान करके चलिए, वहाँ हम हरिद्वारियत का झंडा, हरिद्वार का झंडा लेकर के भी जाएंगे, गंगा माँ की वहाँ भी पूजा करेंगे। मतलब आप कह रहे जैसी लॉबिंग आपने यहाँ की है, ऊपर जाके भी इस लॉबिंग को नहीं छेड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। जब चुनाव की बात हो और उत्तराखंड की राजनीति की बात हो तो उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का। इस बार वो खुद हरिद्वार से मैदान में नहीं है, उनके बेटे मैदान में हैं, लेकिन उन्होंने सारथी की भूमिका यहाँ निभानी शुरू कर दी है। चुनावी यात्रा में जाने से ठीक पहले हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं हरिद्वार में, और आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने को हरिद्वार का लाल कहलाना पसंद करते हैं और जो तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है उससे बाहर निकलकर कैसे वो अपने बेटे की जीत सुनिश्चित करेंगे। बहुत धन्यवाद रावत जी। तो एक टाइम में अल्मोड़ा का लाल, फिर नैनीताल का लाल, फिर हरिद्वार का लाल, इस हरीश रावत के अंदर कितने लाल छिपे हैं। देखिए, अल्मोड़ा का लाल तो मैं आज भी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे खड़ा किया, तैयार किया, इसलिए उस मिट्टी से और वहाँ के लोगों से मेरा मोह आज भी बना हुआ है। नैनीताल ने मुझे स्वीकार नहीं किया कभी। ऐसा क्यों? अब कुछ कारण होंगे नैनीताल के, अपनी समझ हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत अपनाने की कोशिश की। हरिद्वार ने मुझे उस समय अपनाया जब मेरे पास कोई ऐसा क्षेत्र रह नहीं गया था, क्योंकि अल्मोड़ा आरक्षित हो गया था, जहाँ मैं काम कर सकूँ और जहाँ लोगों के साथ अपना राजनीतिक जोड़ाव बना सकूँ। तो हरिद्वार ने मुझे अपनाया, तो मैं जब उसने, मैंने अपनी सेवा के जरिए ये हरिद्वारी लाल शब्द अर्जित किया, उन्होंने कहा ये हमारा लाल है। लेकिन एक ही बार अपनाया, 2009 में ही अपनाया। हाँ, 2014 में नहीं अपनाया। कोई ऐसी बात नहीं, एक बार अपनाया तो सही, और उसके बाद लगातार निरंतर मुझे, मेरे साथ जुड़ाव रहा और मेरा भी जुड़ाव निरंतर रहा, चाहे मैं पद पर रहा नहीं रहा, कहीं कुछ करने लायक रहा नहीं रहा, विपक्ष में रहा, लेकिन मैंने हरिद्वार के समस्याओं के साथ, हरिद्वार के सवालों के साथ निरंतर अपना तारतम्य बनाए रखा। आज उसी का परिणाम है कि मेरे बेटे के रूप में जब कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत चुनाव मैदान में हैं तो उनको लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। आप क्यों नहीं चुनाव लड़े? मतलब लोगों को तो ये था कि इस बार आप मैदान में फिर उतरेंगे। शारीरिक रूप से स्थिति में नहीं था, और वीरेंद्र रावत को भी पार्टी ने बड़े सोच विचार करके दिया, बड़ा विलम्ब कर दिया, बल्कि 7-8 दिन जांच करने के बाद, ये देखने के बाद कि मेरे बेटे के बजाय वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़्यादा है, जो उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स दिए थे कि मैं डिग्री कॉलेज का दिल्ली में अध्यक्ष रहा हूँ, NSY में काम किया है, युवा कांग्रेस सेवा दल में काम किया है, अब पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, तो ये सब की जांच की पार्टी ने और लोगों से पूछा, और इस कंक्लूजन पर पहुँचने के बाद कि हरिद्वार क्षेत्र का कोई किसी कार्यकर्ता ने आवेदन नहीं किया है या कोई पहले से मैदान में नहीं है, तो तब वीरेंद्र रावत, तो आप ये बता रहे हैं कि आपके बेटे को जो टिकट मिला वो मेरिट के आधार पे मिला, हरीश रावत ने अंगद का पैर नहीं जमाया? नहीं,
उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, मैंने ये ज़रूर, पार्टी लास्ट तक मुझसे कहती रही कि तुमको लड़ना है, तुम लड़ो। मैंने कहा मैं शारीरिक रूप से अब इतना समर्थ नहीं हूँ कि 5 साल सांसद के रूप में 2009 से 2014 के हरीश रावत को रिप्लिकेट कर सकूँ, उसकी पुनरावृत्ति कर सकूँ। तो मैं हरिद्वार के लोगों को निराश नहीं करना चाहता। तो आपने ये कहा मैं नहीं, लेकिन मेरे बेटे को टिकट देना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे बेटे उसी नक्शे कदम पर उसी तरीके से सेवा भाव से समर्पण और विकास जन्य सोच के साथ चुनाव मैदान में हैं, और मैं सप्लीमेंट करूँगा उनके एफर्ट्स को। अब मैं सप्लीमेंटर तो हो सकता हूँ, एक पूरक हो सकता हूँ, मैं सहयोगी हो सकता हूँ, एक मार्गदर्शक हो सकता हूँ, लेकिन अब मैं फ्रंट से जो है फ्रंट लाइन बैटर नहीं हो सकता। लेकिन अब बीजेपी का आप पे बड़ा तीखा हमला है, बोलते हैं हरीश रावत ने हरिद्वार को अपने परिवार की राजनीतिक आकांक्षाओं की प्रयोगशाला बना डाला है। ये भाजपा के लोगों को पहले भी सोचना चाहिए था और मेरा विकल्प तैयार करते। अब उन्होंने तो ऐसा विकल्प तैयार किया, केंद्रीय मंत्री रहे, दो दो बार यहाँ से सांसद रहे, लेकिन उसके बाद उनको चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा भाजपा ने, उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारा। आप कह रहे हैं ये आपकी मॉरल जीत है। आपकी, जबकि वो जवान भी हैं, तो इसका मतलब है कि वो हरीश रावत ने जिस धर्रे पर हरिद्वार के लोगों के साथ अपना जुड़ाव बनाया, वो जुड़ाव नहीं बना पाए। और ये जुड़ाव बनाने में मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा, मेरे साथ पूरा परिवार जो है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करता रहा। जितना हरिद्वार क्षेत्र के अंदर जितनी हमारी सक्रियता रही है, उस सक्रियता को बिना परिवार के सहयोग के नहीं कर सकता था। और वीरेंद्र 2009 से एक पूरक के तौर पर पिछले 15 सालों में लगा सकते हैं कि वो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, एक सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब हम परिवारवाद के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि अगर आप हरिद्वार ग्रामीण से देखेंगे, आपकी बेटी वहाँ से विधायक हैं, फिर बेटे को आपने हरिद्वार से दिला दिया, 2014 में आपकी वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ी थी, 2009 में आप यहाँ से चुनाव लड़े, तो उनको लग रहा है ये एक तरह का फैमिली मैटर हो गया पूरा। हमने सेवा और समर्पण और विकास की आकांक्षा और यहाँ के सवालों को जज्बे के साथ उठाना, यहाँ के लोगों के साथ दुख सुख में खड़े रहना, ये इसको छोड़ा नहीं, इसमें निरंतरता बनाए रखी। अब उस निरंतरता का प्रतिफल हमको मिला। तो आप कह रहे हैं परिवारवाद पब्लिक के बीच में कोई इश्यू नहीं है, ये बीजेपी का एक आप पे झूठ डाला है। और फिर भाजपा को सबने देखा है, जब तक उनको परिवारवाद नहीं दिखाई दिया, जब वो प्रकाश सिंह बादल जी के खुट्टम बरदार थे भाजपा जो है, या बाल ठाकरे जी के खुट्टम बरदार थे, उनको आज भी वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत जो है ये तीसरी बार या चौथी बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें उनको परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। जो है आप राजनाथ सिंह जी के बेटे को तो आप जानते हैं, पंकज सिंह जी को, वो भी सांसद, पिता सांसद थे, वो वहाँ से विधायक बनाए गाजियाबाद से जो है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाजपा, असल में भाजपा जो है अपने खटमल नहीं देखती है, दूसरे के अंदर कोई लीक पड़ी है ना, वो जुए से छोटे वाली होती है, उनको ढूंढने चलती है। तो ये भाजपा का जो परिवारवाद के खिलाफ बात है, वो एक भयभीत मानसिकता है, क्योंकि वो गांधी परिवार से भयभीत है। वो समझते हैं कभी न कभी, आज नहीं तो कल जो है, ये चुनौती बन करके न उभर जाए। इसलिए आप देखिए भाजपा की पिछले 10 साल की राजनीति तो छोड़ दीजिए, उससे पहले की राजनीति भी देखिए, तो गांधी परिवार को वो समझते हैं, जब तक गांधी परिवार को वो राजनीति में नेस्त नाबूद नहीं करेंगे, तो न वो राजनीति के अंदर निष्कंटक रह सकते हैं, और न वो संविधान बदल सकते हैं, न भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो नीतियां हैं, जो सोच है, जो वो है, उसको वो किसी तरीके से बदल सकते हैं। तो मैं ये मानूं हरीश रावत जी कांग्रेस ही हरिद्वार में एकजुट हैं, आपके बेटे के पक्ष में कोई मतभेद नहीं है आपस कहीं में? कोई मतभेद नहीं है, कहीं मतभेद मनभेद कुछ नहीं है, और सब लोग लगे हुए हैं। बल्कि बाप के लिए जो लोग नहीं लगे, वो आप बेटे के लिए लगे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हमको जो है। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि बाप के लिए क्यों नहीं लगे, बेटे के लिए लग रहे हैं?
बाप ने कभी तकलीफें दी उनको। अब लोगों को लगता था ये बाप तकलीफ देता है हमको, क्योंकि मेरी अपनी चॉइसेस हो सकती थी। तो हर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, तो कुछ लोगों को लगता था ये हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर रहा है। अब उनको लगता है कि बेटे के साथ नए स्लेट के साथ हम काम शुरू करें उनका। और मैं आपके और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के लोगों को ये हो गया, आज नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए कांग्रेस का हर व्यक्ति जिसके करो या मरो की स्थिति में कांग्रेस है इस समय, हर कार्यकर्ता इस समय करो मरो की स्थिति में है। सर मैं आपके स्टेट प्रेसिडेंट करण महारा को इंटरव्यू कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि हरिद्वार से वो भी उम्मीदवारी रखते हैं और उनका बहुत मन है, लेकिन उनसे पहले वो चाहते हैं अगर हरीश रावत जी लड़े उनको टिकट मिले, और उनको ना मिले तो मैं उसके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ उसी तो उनके मन में जो खटास आई है वो दूर करी आपने बुला के? नहीं, उसी चक्कर में तो उन्होंने इतना लेट कर दिया, लेट हो गया जो उम्मीदवार 10-11 दिन बाद घोषित हुआ, यही देखने में, क्योंकि विकल्प के तौर पर पार्टी ने देखा कि भाई कौन हो सकता है। और मैंने तो उनके सामने ही कहा, आप न्यूट्रल थे, उनके सामने ही प्रभारी से कहा आप न्यूट्रल थे? नहीं, जब विलंब होने लगा तो मैंने प्रभारी से कहा, मैंने कहा अध्यक्ष जी को लड़ा दीजिए और मैं इनके लिए काम करूँगा, इनको लड़ा दीजिए। अच्छा, आपने कहा कि करण महारा को लड़ा दीजिए, मैं उनके लिए भी काम करूँगा। काम करूँगा, मैंने तो हर किसी के लिए कहा मैं काम करूँगा। बस मैंने कहा जरा सा 2016 में जिन्होंने सरकार गिराई, थोड़ा सा मैंने कहा भाई मुझे तकलीफ होगी यदि उनमें से किसी को आप मौका देते हैं। हाँ, उनके लिए आपका वीटो था? नहीं, वीटो नहीं था, मैंने कहा तकलीफ होगी और दिल की भावना व्यक्त करना, क्योंकि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। और 2016 में हमारी सरकार यदि गड़बड़ाई नहीं होती, नहीं किया जाता, तो 2017 का चुनाव कांग्रेस जीती और हो सकता है 2022 भी जीती, क्योंकि जो फाउंडेशन में बना था, जो बुनियाद में बना रहा था, जिस धर्रे पर मैं उत्तराखंड को लेकर के जा रहा था, लोग कई वर्षों तक जो है उस मॉडल को देने वाली कांग्रेस को अपने सर माथे पर रखते हैं। बट रावत जी, आपके बारे में सब लोग एक ही बात कहते हैं कि हरीश रावत जी जो सामने हैं उनके अंदर क्या चल रहा होता है ये उन्हीं को पता होता है, दूसरा भाप भी नहीं सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सब मैं चाहता हूं अल्मोड़ा से यशपाल आर्य चुनाव लड़े, और जब बात मीटिंग में आई और आपसे आपकी राय पूछी गई तो आपने कहा देखिए ऐसा है प्रदीप टम्टा सर्वमान्य नेता हैं, और उसके बाद एक और व्यक्ति का आपने नाम लिया लेकिन आपने यशपाल आर्य का नाम नहीं लिया, तो उनके मन में ये भाव आ गया कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा बीजेपी तो बाद में निपटाएगी, हरीश रावत मुझे पहले निपटा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए गलत बात बिल्कुल। यशपाल आर्य जी के विषय में मैंने पार्टी लीडरशिप सबको बताया। हाँ, मीटिंग में जब मुझसे पूछा गया तो उस समय तक यशपाल आर्य जी क्लियर कर चुके थे कि वो नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा भाई जब यदि वो नहीं लड़ रहे हैं तो फिर यशपाल प्रदीप टम्टा का नेचुरल हक है। यदि आपसे डर था आप उस पर, वो अपने सहयोगियों से ये कह रहे थे कि भाई साहब हरीश रावत मुझे निपटा देगा अल्मोड़ा में, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को, ऐसा क्यों, मतलब आपको लेके भाव क्यों? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भाव होना चाहिए। और ये जा की रही भावना जैसी, अब उस समय कुछ नहीं कह सकता कि किसी की भावना ये है, आपकी भावनाओं से तो अपनी, कब अपनी क्या द्वार निकल जाए किसको पता नहीं लगता। अपनी भावना के तो आलोक में देखेंगे। हरीश रावत ने कभी भी किसी नेता को, मैंने नेता बनाने का काम किया, गढ़ने का काम किया, किसी को मैंने तोड़ने का काम नहीं किया। आज भी मैं हजार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ कि चतुर्भुज नेतृत्व, चार लोग, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, यश करण मेहरा और गणेश गोदियाल जी, और मैं सबके लिए पूरक बनता हूँ, सबके लिए पूरक बनने। लेकिन ये सारथी तो एक ही रथ को खींच रहा है ना, आपने नाम लिया, आप प्रदीप टम्टा जी के साथ नहीं दिख रहे हैं, आप गणेश गोदियाल जी के साथ नहीं दिख रहे हैं, आप अपने नैनीताल के कैंडिडेट प्रकाश जोशी के साथ नहीं दिख रहे, यानी आपने मनोभाव से सारा ध्यान अपना हरिद्वार में लगा दिया। वहाँ भी जाऊँगा यदि वो मुझसे कहेंगे, मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन शारीरिक क्षमता का सवाल है। और इसलिए, लेकिन मेरे पोस्टों को देखिए, उन पोस्टों में मैं भाजपा पर के कमजोरियों को जो उभार रहा हूँ वो उसका असर पूरे राज्य पर पड़ रहा है। और मैंने प्रदीप टम्टा जी, गणेश गोदियाल जी,
प्रकाश जोशी जी, प्रकाश जोशी जी को तो मैंने कहा कि हम नारायण दत्त बनाने का अवसर था हमारे सामने, एक नया नारायण दत्त तैयार करने का, हमने वो अवसर खो दिया, तो हम उसको अब भी सुधार सकते हैं, मैंने कहा। और जो सिंह, आप इन्हीं बातों से लोगों को, जो सिंह गुनशौला जी को मैंने कहा, ये जो है एक इंसानियत और उत्तराखंडियत उसके प्रतीक पुरुष है, तो ये कोई साधारण कमेंट नहीं है। मैंने अपने जो है 75-76 साल के, आपने उन्हें नारायण दत्त तिवारी जी की भूमिका में लाके खड़ा तो कर दिया, लेकिन अकेला छोड़ दिया। देखते हैं जितना समय निकलेगा। अब आप जब पब्लिक में जा रहे हैं तो कैसा रिएक्शन आपको मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। एक अंदर ही अंदर करंट है लोगों में, जो लोगों में कुछ झिझक थी, डर था, कुछ दबाव महसूस कर रहे थे, लोग अब उस दबाव से, वो डर झिझक से बाहर आ रहे हैं। और ये परिवर्तन है जो मैं हरिद्वार में भी देख रहा हूँ, और ये परिवर्तन उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का नामांकन गणेश गोदियाल जी का हुआ, वो इसका प्रतीक है कि पहाड़ भी बदल रहे, तो ये मॉडल है। तो आप कह रहे हैं इस बार चेंज देश में, ये देश में आप देखिएगा, पूरे देश के अंदर, बल्कि दूसरे तीसरे चरण आते आते तक ये प्रचंड वेग से आपको दिखाई देगी। जो मीडिया आज जो है गुणगान करने में लगा हुआ सत्ता का, वो अपने को ठगा हुआ पाएगा। तो आपको लग रहा चेंज होगा? निश्चित चेंज। तो वो जब कहते हैं साहब मेरे, हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, आप ऐसे क्यों सांसद को चुन रहे हैं जिनकी सरकार, हमारे तो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, यूपी में हमारी सरकार है, तो ये ट्रिपल इंजन की तौर पर हम लोग काम करेंगे? लोगों को लग रहा है कि ये तो नॉन फंक्शनल ऑपरेशन, ये इंजन जो है ये एक भार हो गया है, ये एक दबाव डालने वाला हो गया, हमारी आकांक्षाओं से खिलवाड़ करने वाला हो गया। तो अब उस इंजन को, वो डबल हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो, उसको अब डंप कर देना चाहते हैं लोग। मतलब आपको इन इंजनों का कोई इम्पैक्ट नहीं? ये मार का फेल हो गया है। अब बीजेपी उनका देखिए, बीजेपी का आत्मविश्वास आप देखिए, वो कह रहे हैं साहब जीत तो है हमारी, हम 2019 से बड़ी जीत पर काम कर रहे हैं, यानी वो मार्जिन बढ़ाने के लिए लड़ाई। देखिए भाजपा मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में माहिर है, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ही ये सब बातें कही हैं कि 5 लाख का से ऊपर का विक्ट्री मार्जिन, ग्राउंड रियलिटी क्या आप बताइए, 50% से ऊपर वोट और 400 के पार। लेकिन ये सारी चीज़ें उनका कार्यकर्ता जब विश्लेषण कर रहा है, वो भी कह रहा है कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जितना जिन क्षेत्रों में भाजपा है वहाँ वो सैचुरेशन पर है। अब राजस्थान के अंदर एक सीट भी नहीं बढ़ा सकते, मध्य प्रदेश में एक सीट बढ़ा सकते हैं, बाकी गुंजाइश ही नहीं है। गुजरात में एक भी सीट नहीं बढ़ा सकते हैं, दिल्ली में एक नहीं बढ़ा सकते हैं, पंजाब हरियाणा में एक नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सैचुरेशन पर है, टोटल उन्हीं के पास है। तो लोगों को लग रहा है अब तो जितने होंगे कम होंगे, 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, तो कुछ कम होंगे, जब कम होंगे तो भाजपा की किट्टी से कम होंगे। तो लोग भाजपा के लोगों को स्वयं 400 के पार के नारे का रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई नए समीकरण ऐसे नहीं बने हैं जिससे 400 के पार की बात उनकी हो सके। वो कह रहे हैं ऐसी जमीनी हकीकत जरूर दिखाई दे रही है कि भाजपा 200 से नीचे रह जाएगी, और लोग जानते हैं यदि 200 तो छोड़ दीजिए, यदि 300 का वह आंकड़ा पैदा नहीं हुआ तो भाजपा के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस नेतृत्व से, जो आज का दो मूर्ति वाला नेतृत्व है। दो मूर्ति वाला मतलब दो व्यक्ति हैं, मैं और एक और, दो व्यक्ति का नेतृत्व है, इस नेतृत्व से अजीज आ गए हैं, उसको बदलना चाहते हैं भाजपा के अंदर ऐसे लोग। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम नहीं ले रहे इस चुनाव में? वो आदरणीय हैं, प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, आप कहेंगे तो हम उनका नाम भी ले लेंगे। नहीं नहीं, तो मैं नहीं कह रहा, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम नहीं लेना। हम तो हर बड़े पद पर बैठे हुए लोग उसका नाम लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में उनका नाम लेना जनता को प्रणाम करने जैसा है। उनका मत से प्रधानमंत्री बने, कहीं आसमान से तो नहीं आए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप फ्लाईओवर का जाल देखिए साहब, आप देहरादून से हरिद्वार आ जाइए, हरिद्वार से दिल्ली चले जाइए, जो विकास चारों ओर दिख रहा है, रावत जी भी उससे गदगद हैं उस विकास से। वो जो सड़कें बनी हैं,
ये सड़कों की, अधिकांश सड़कों की बुनियाद यूपीए 2 के समय में पड़ी जब सीपी जोशी मंत्री थे। हम उसका राजनीतिक फायदा नहीं ले पाए, वो है ना जो दिखता वो बिकता वाला हिसाब है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मगर जो है जैसे हमारे जो गडकरी जी हैं जो सड़क मंत्री हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण से काम कर लिया। अब जैसे ये मुजफ्फरनगर देहरादून हाईवे है, हमारे समय में किसी को थे मुजफ्फरनगर नजीमाबाद हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे है, हमारे समय की स्वीकृत है। जो है कनखल पुरकाजी हाईवे हमारे समय की स्वीकृत है, सारी जितनी भी हाईवेज है ये हमारे समय की स्वीकृतियाँ हैं। लेकिन गडकरी जी ने इन सबको पुशअप दिया और देश भर में पुशअप दिया। मगर गडकरी जी जिनके नाम पर जो साइन बोर्ड हैं इस सरकार की विफलता को छुपाने की साइन बोर्ड है, आप कह रहे हैं उनके परफॉर्मिंग मिनिस्टर एक ही हैं। हाँ, ये वो ओनली सिंगल मैन परफॉर्मेंट, सिंगल परफॉर्मेंस। आप कह रहे हैं नितिन गडकरी, हाँ, लेकिन वो खुद ही साइड लाइन मंडल में सबसे ज्यादा शाइनिंग, खुद ही साइड लाइन है बेचारे। इस बात के लिए आभारी हैं कि उनको चुनाव लड़ने दिए, वो तो पार्टी की त्रिमूर्ति भी नहीं है, माला भी पहनाई जाती है, तो वो माला से भी वो और राजनाथ सिंह जी जो दो मोस्ट विजिबल चेहरे हैं वो बाहर रहते हैं। ये तो आपकी पार्टी में भी होता है? नहीं, हमारी पार्टी में तो हम स्वीकार नेता, हमारे शीर्ष नेता हैं हम नेचुरली। लेकिन गडकरी जी को तो शीर्ष के लायक भी नहीं समझा गया है, या न राजनाथ सिंह जी को समझा गया है। तो ये तो जो वहाँ तो नंबर दो के बाद लाइन कट है। ये जो कहा जा रहा है कि ये चुनाव प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और कोई मुद्दा नहीं है, ये ग्राउंड में आप मुझे बताइए आप क्या फील कर रहे हैं ग्राउंड में? इस मुद्दे से हमारी टक्कर जरूर है, लेकिन मोदी फैक्टर है। हाँ, लेकिन मोदी फैक्टर है, मगर उनको डुबाने वाले फैक्टर भी मौजूद है। जैसे 10 साल हरिद्वार के अंदर कुछ नहीं हुआ, जैसे ये एक्नॉलेजमेंट है इनका, पौड़ी के अंदर कुछ नहीं हुआ। और आप जाइए तो जिन लोगों को पहले चरण में इन्होंने माला लक्ष्मी जी और हमारे अल्मोड़ा से जी और अजय भट्ट जी जिनको टिकट दिया, आप अपने दिल से पूछिए कि लोग अजय भट्ट के बजाय यदि रमेश भट्ट होते तो शायद भी भाजपा से बेहतर होते। लेकिन अजय भट्ट जी की एंटी इनकम्बेंसी इतनी है, लोग कहते हैं केवल गप्पाड़ी ही, काम किया ही नहीं, काम करने वाले विकल्प देख रहे हैं लोग जो है। तो ये जब इतने लोग मोदी फैक्टर पर लटके रहेंगे तो मोदी जी का तीसरा टर्म कहाँ से आ पाएगा? ये तो नेगेटिव फैक्टर्स जो है। आप कह रहे हैं मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनके सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी जी के मैं 2-3 गुणों का बड़ा कायल हूँ। एक गुण उनका है कि वो चीज़ को अपनाते हैं, स्थानीयता को, और बड़ी शिद्दत से अपनाते हैं। जैसे हमने जो उत्तराखंडियत की जितनी चीज़ें तय की, जिसमें टोपी भी सम्मिलित है और चीज़ें भी सम्मिलित हैं, खान पान भी सम्मिलित है, उन्होंने उनको पूरी शिद्दत से पुशअप किया। ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस के लोगों ने अपनाया, तो उन्होंने नंबर वन। नंबर टू, मोदी जी जो हैं मेहनत परिश्रम करने में उनकी कोई सानी नहीं। और थर्ड जो है वो अपने को और डिफेंड करने की कला में वो उन्होंने एक प्रचारक के रूप में उसमें महारत हासिल की है, अपने को डिफेंड करने की कला में। तो ये गुण है, इन्हीं गुणों के माध्यम से भाजपा जो है केवल उनके सहारे खड़ी है। मगर वहाँ ये तथ्य को मोदी जी भी जानते हैं, इसको भाजपा भी जानती है कि डुबाने वाले फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए भाजपा ने अपने करीब करीब 40% सांसदों के टिकट काटने का निर्णय लिया है, सीटिंग सांसदों का। अब ये लगाइए जिस पार्टी के पास संसद में 40% सांसद ऐसे रहे हों जो नॉन परफॉर्मिंग, जिसको पार्टी मान रही है नॉन परफॉर्मिंग 40% से ज़्यादा, तो जन धरती में उसका क्या असर हो गया? क्या क्या जनता ये नहीं कहेगी कि भाई आपने ये सारे ठठेरों का भार हमारे सर पे क्यों रखा? तो ये ठठेरे जो हैं वो अब ठठेरे तो आदरणीय है, नठेरे जो हैं ये मोदी जी को डुबाने का कारक बनेंगे।
तो मैं आपकी बात से ये समझूं कि हरीश रावत को ये मलाल है कि बीजेपी के पास एक ऐसा नेता है जिसकी बहुत खूबियां हैं और हमारे पास एक ऐसे नेता की कमी है, इसीलिए हम फाइट नहीं दे पा रहे आमने सामने? नहीं, हमारे नेता में भी वो खूबियां हैं। राहुल जी ने जिस शिद्दत मेहनत के, एक नया अवतार है, एक नए गांधी पैदा हुए हैं। एक बड़ा गैप जो इस समय दिखाई दे रहा था, जिस तरीके से अपने सिद्धांत के प्रति, अपनी सोच के प्रति समर्पित भाव से मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, दुनिया की कोई ताकत उनको शीर्ष तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। एक डिटर्मिनेशन है उनके अंदर। एक बार मैं सुनना तो था, इसलिए बयान दिया था उनको प्रधानमंत्री बनाए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं स्वर्ग भी नहीं जाऊंगा। और तो स्वर्ग पक्का जाएंगे, आपने तय किया है? मैं जाता हूँ। हमें और चीजों पर भरोसा हो ना हो, अपने कर्मों पर भरोसा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन हम स्वर्ग भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जाएगा। बोले हमें जितना परेशान किया है, हमें जितना घुमाया है, हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? स्वर्ग जाएंगे तो अपने साथी सहयोगियों के लिए भी, अपने लिए अच्छा सोचने वालों के लिए भी जगह बनाएंगे। आप चिंता न करिए, वहाँ उनके लिए भी लॉबिंग करेंगे। वहाँ वहाँ उत्तराखंड का झंडा लेकर के भी जाएंगे। आप ये भी मान करके चलिए, वहाँ हम हरिद्वारियत का झंडा, हरिद्वार का झंडा लेकर के भी जाएंगे, गंगा माँ की वहाँ भी पूजा करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं जैसी लॉबिंग आपने यहाँ की है, ऊपर जाके भी इस लॉबिंग को नहीं छेड़ेंगे। एक एक बात, हरिद्वार के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या है? हरिद्वार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरती में सर्वगुण संपन्नता है, आपको केवल उसको मांझना, परिष्कृत करना है। जैसे यहाँ की नदियाँ हैं, पानी है, बहुत पानी है, लेकिन नदियाँ ज़मीनों को काटने का काम करती हैं, बाढ़ आती है, किसानों को नुकसान होता है। तो मैं जब सांसद बना तो मैंने बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू किया, सोलानी, इस बार की आपदा तो आपने देखी थी। और अब एक दर्जन यहाँ और नदियाँ हैं जो ज़मीनों को काट रही हैं, नुकसान पहुँचाती हैं, तो हमको जो उसको करना है। यहाँ की खेती की उपजाऊपन बहुत है। मेरे सांसद बनने से पहले ये उत्तराखंड के अंदर भी प्रोडक्टिविटी के मामले में जो है 7वें नंबर पर था, और हमने वहाँ उत्पादकता, कृषि उत्पादकता को बढ़ा करके आज हरिद्वार नंबर 1 पर है। उधम सिंह नगर को भी पीछे छोड़ दिया है उसने, क्योंकि परिष्कृत करने का काम किया है। यहाँ के गन्ने की जो है यील्ड और रिकवरी इतनी कम थी, जो शुगर रिकवरी थी बहुत कम थी, 8% के आसपास थी, कई थी तो मैं 7.5% थी, लेकिन हमने बीज बदल का व्यापक कार्यक्रम बनाया तो वो 12-12.5% तक पहुंच गई। तो इस तरीके की चीज़ों के जरिए आप हरिद्वार को, अब ग्रोथ इंजन बन गया है उत्तराखंड का, ग्रोथ इंजन है पर कैपिटा में भी, जीडीपी के साइज में। तो इसको लेकर के वहीं जाना है और ये देश का भी ग्रोथ इंजन बन जाएगा। आज हरिद्वार जो 30वें नंबर पर था पर कैपिटा इनकम में, आज नंबर वन पर है और देश के अंदर 41वें नंबर पर है। तो ये एक खासियत है, इसको मैंने सांसद के रूप में पहचाना और उस रूप में जो है मैंने उसको परिमार्जित करने का काम किया। मैं यहाँ के खेतों में बीज लेकर के गया, सब्जियों के बीज लेकर के गया। मैं यहाँ के तालाबों में मछलियों के बीज मैंने डालने का काम किया। मैंने यहाँ की मिट्टी की चिकनाई को पहचान करके लोगों को चक्के बांटे, कुम्हार लोगों को, ताकि यहाँ के मिट्टी के गड़े हुए बर्तन जो है खुर्जा और राजस्थान के बर्तनों का मुकाबला कर सकें। हमने उस पोटेंशियलिटी को पहचाना, हमने इसके गुड़ के पोटेंशियलिटी को पहचाना। हमने कहा इसको गुड़ को हम राजकीय उद्योग के रूप में दर्जा दे करके, इसको गुड़ को हरिद्वार की इंडस्ट्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाया जा सकता है। लेकिन कुछ करने वाले लोग चाहिए। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ राव जी, आपके आइडियाज से मैं बहुत ही, मतलब जिसे कहना कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके आइडियाज और जो आपकी इनोवेशन होती है। इतने सारे आइडियाज होते हुए भी बार बार जनता आपको क्यों नकार देती है? देखिए, यहाँ जवाब मिलेगा इसका भी, स्वर्ग में जाके जवाब ढूंढेंगे। आइडियाज को स्वीकारिता तक ले जाने के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए। मेरे पास संसाधनों का एक अभाव रहा जिंदगी के। अब इस एंड पर आकर के मैं समझ पाया कि धन की क्या महत्ता है। मैंने धन की महत्ता को कभी समझा नहीं। मैं आप ये दूसरी बार मेरे प्रोग्राम में बोल रहे हैं। पहली बार जब आपने बोला था तो लोग कह रहे हैं देखो कितना सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मुझे बता दें मेरा कहाँ धन तो दिखाई देता है ना। मैं जितने पढ़े बढ़ूँगा, मैं लंबे समय तक सरकार को और सरकारी
सरकारी व्यवस्था को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में रहा, लेकिन उसके बावजूद उसकी तुलना में आप मुझे देख लीजिए, जो एक एक बार सांसद रहे हैं, एक एक बार विधायक रहे हैं, वो यदि मुझसे आगे खड़े नहीं दिखाई दें तो आप देख लीजिए। लेकिन मेरे पास उतना ही है जितना जो है इतने पदों पर रहते हुए होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति इतनी डिमांडिंग राजनीति हो गई है, इतना धन संबंध चाहिए, इवन मीडिया के दोस्तों को ही नमस्कार करने के लिए जो है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए भी आपको आकर्षक बनना पड़ता है। तो मैं आप वो, कहेंगे कि मैं वो आकर्षण अपने में पैदा नहीं कर पाया, लेकिन अब इस समय आ करके उम्र के अब क्या बदलाव लाएंगे। एक आखिरी सवाल, मन में उथल पुथल है कि बेटे को कैसे जिताना है, या आत्मविश्वास है कि नहीं आपको हरिद्वार की जनता अपनाएगी? मुझे हरिद्वार के लोगों पर भरोसा है, वो मेरी सेवा समर्पण और विकास की परंपरा को जिंदा रखना चाहेंगे, चाहेंगे अजमाना, क्योंकि उनके पास जो विकल्प है उनके सामने, वो विकल्प अजमाने लायक नहीं है। तो हरिद्वार उनको नहीं अपनाएगा, क्योंकि उनमें वो सेवा का भाव नहीं देखते, समर्पण का भाव नहीं देखते, वो विनम्रता नहीं देखते, तो वो मेरे पुत्र को अजमाएंगे। यदि पुत्र ने 5 साल 2009 से 2014 कैसे हरीश रावत जैसे भाव रखे, तो वो राजनीति में यहाँ जम सकता है, और यदि नहीं रखे तो उसको बदल देंगे लोग। तो जो आपके अपोनेंट रावत हैं वो मैदान में दिख रहे हैं आपको? देखो, वो कड़क सिंह हैं, वो कड़क ठाकुर हैं, लेकिन और ये कौन से ठाकुर हैं? मैं जो आठी की तरीके से हूँ, जैसे चाहो मोड़ लो, जैसे चाहो गीली मिट्टी हो, जिससे जो चाहो बना लो। और ये ऐसी गीली मिट्टी है कि ऊपर कुछ हो तो उसको सरकाना भी जानता है? अब वो मिट्टी पर दबाव ज़्यादा डालोगे तो फिर भार उठाना बंद कर देती है, तो जो लोग मुझ पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो हो सकता है उनकी ज़मीन खिसक जाती हो, लेकिन वो मिट्टी का स्वभाव है गीली मिट्टी का। लेकिन गीली मिट्टी से आप बर्तन करना चाहो, काम करना चाहो, बढ़िया चीज़ बनाना चाहो, या तो वो सब काम के लायक हूँ, लेकिन वो कड़क सिंह है तो पत्थर सिंह है, वो एक अच्छे ठाकुर हैं, लेकिन अच्छे राजनेता, अच्छे मुख्यमंत्री होने के लिए कई और गुण चाहिए। एक मन में कुछ है आपके इस समय कि कुछ ऐसा कि एक होता है ना कि मैं ये करना चाहता था ये नहीं कर पाया, कुछ मन में ऐसा आपको लगता है? हाँ, है। यदि मुझको 2 साल का भी वक्त और मिल गया होता तो मैं उत्तराखंड जिस बात के लिए बना था मैं उस मॉडल पर उत्तराखंड को खड़ा कर देता। हरिद्वार ने मुझे 5 साल दिया, अब हरिद्वार के 5 साल सांसद के रूप में जो शुरुआतें मैंने की, दुनिया की कोई ताकत जो है हरिद्वार को अब पीछे की तरफ नहीं ले जा सकती है। 10 साल बिल्कुल निष्क्रियता के रहे सांसद के रूप में, लेकिन वो हरिद्वार की ग्रोथ को प्रभावित नहीं कर पाए, उस पर और तेज़ी आती लेकिन वो तेज़ी नहीं आई हुई, लेकिन यथास्थिति बनी रही। तो ये मुझे मलाल है कि मुझे 2 साल नहीं दिया उत्तराखंड ने, यदि मुझे 2 साल दे दिए होते तो जो उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, दूसरी चीज़ें और सब चीज़ें दिखाई दे रही है, ये ऐसा नहीं होता। चलिए रावत जी, बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ आपका सानिध्य लंबे समय तक इस राज्य को मिले, बिकॉज आपके आइडियाज़, पहाड़ के जो उत्पाद हैं उनको लेकर आपका इनोवेशन, आपकी सोच, उसकी मार्केटिंग, इसके लिए तो हर उत्तराखंड ने संस्कृति और यहाँ की सब चीज़ों को परवान चढ़ाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र के अंदर मैंने उत्तराखंड, मेरी उत्तराखंडियत बहुआयामी है, और उनारसन से लेकर के उत्तरकाशी तक, और जो है जसपुर से लेकर के मुनस्यारी तक, सबको समावेशित करती है, सब संस्कृतियों का, सोच का, भाषा का, जमीन का, मिट्टी का, पर्यावरण का, सब चीज़ों का मैंने समावेश किया, और उसमें ये खान पान इत्यादि ये तो एक अंश है उसका छोटा सा। चलिए बहुत धन्यवाद। देवभूमि डायलॉग में हरीश रावत, उनका कहना है कि जो काम उन्होंने हरिद्वार के लिए किए और जो लगातार वो हरिद्वार में एक्टिव रहे, अब उनको विश्वास है कि जनता इस बार उनको समर्थन देगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को देखने के लिए। जल्द हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए इंटरव्यू के लेके। बहुत धन्यवाद आपका।